क्या परी, एग्जाम तो नजदीक आ गई है, तेरी पढ़ाई हुई कि नहीं? अरे एग्जाम के लिए तो अभी बहुत टाइम है ना। बहुत टाइम नहीं, एक ही महीना बचा है। हाँ परी, मेरी तो ये पूरी बुक पढ़ के हो गई है। अरे संकेत, तुम्हारी तो एक, मेरे तो सारे बुक पढ़ के हो गए। देख, और ये जो आया नहीं है ना, एब्सेंट है, मैंने तो सुना है ये धनराज की ना पूरी रिवीजन भी हो गई है, वो भी दो बार। हाँ बापरे, मेरे तो कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई, क्या करूंगी मैं एग्जाम में। बापरे परी की तो कुछ पढ़ाई नहीं हुई, दिस इज सो बैड। I'm shocked. अरे पर मैं क्या करूं? संकेत, हाँ? मुझे क्या लगता है, हाँ? हम स्कूल से बाहर जाएंगे, हाँ? बड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे इसी स्कूल में आएंगे, तभी भी परी इसी क्लास में होगी। संकेत और गुड्डी, तुमने देखा यहाँ से कोई गया? कोई आगे चल के गया, देखा तुमने? कौन चल के गया परी, कुछ भी क्या बोल रही है तू? हाँ सच में यहाँ से कोई, तूने किसी को देखा? नहीं, हम तीनों ही बैठे, परी कुछ भी बोल रही है। कुछ भी बोलती है परी, पढ़ाई कर पढ़ाई। हाँ अरे वाह, ये टिफिन तो बहुत अच्छा है, विद टिफिन, वाओ, सिली बास्केट, मंगाना चाहिए। अरे परी क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? मम्मी आपको पता है, एक महीने बाद मेरी एग्जाम है और मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हुई। क्या करूंगी मैं एग्जाम के दिन? परी इसलिए मैं तुम्हें हमेशा बोलती थी कि रोज रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे एग्जाम पे टाइम पे ना रोना नहीं पड़ता तुम्हें। लेकिन तुम मेरी बात तो सुनती ही नहीं हो, अभी भी ना एग्जाम के लिए टाइम है, अच्छे से पढ़ो, नहीं तो फिर से तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे। हाँ मम्मी ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, एग्जाम आ रहे हैं ना। मम्मी क्या नीचे कुछ था, आपने देखा कुछ ऐसा था? अरे परी वो ना घर में ना बहुत बड़े बड़े चूहे घुसा है, शायद वही होगा कोई। नहीं मम्मी चूहा नहीं था, अब कुछ अलग था। अरे परी तुम्हें नहीं पता, ये चूहे ना मेरे हाथ का अच्छा अच्छा खाना खा के डायनासोर जितने बड़े हो गए, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। रुको आज ना इन चूहों का कुछ तो करती हूँ। जा, तुम जाओ जल्दी से चेंज करो और पढ़ाई के लिए समझ जाओ। देखती हूँ चूहे को। परी अरे क्या हुआ तुम्हें? आप अच्छा सुनो परी, मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए ना डाइनिंग टेबल पे मैंने स्नैक्स और गरम गरम हल्दी वाला दूध रखा है, वो पी लेना ठीक है, अब तुम पढ़ाई करो। मम्मी 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 प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाना, फिर से एग्जाम कब हो जाएगा? नहीं नहीं मम्मी मुझे डर लग रहा है, आप मत जाओ ना प्लीज प्लीज मम्मी। अरे परी तुम क्या बोल रही हो, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या होता है ये एग्जाम का भूत और ये डर वगैरह? परी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है और तुम मुझे बहाने दे रही हो। नहीं मम्मी मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम देख लेना। मम्मी मत जाओ ना प्लीज, मम्मी मत जाओ। हाँ मुझे पता है आप मेरे साथ रहोगी। हाँ मम्मी मम्मी कहाँ चली गई? लगता है सोने चल गई है। मम्मी आप मुझे क्यों डरा रही हो? मुझे पता है आप यहाँ पर ही छुपी हो, मत डराओ मुझे, मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना। परी तुम कितना भी पढ़ लो पर तुम एग्जाम में नहीं पास होने वाली हो। मुझे
बचा लेना। वो एग्जाम को मुझ फिर से आने से पहले मैं सो जाती हूँ। थैंक यू बेटी। मम्मी, अरे परी, क्या हुआ? क्या चोर आया क्या? नहीं मम्मी, चोर नहीं, एग्जाम का पूजा है। वो मुझे फिर तो परेशान करने के लिए आ गए। मम्मी मुझे डर लग रहा है। परी तुम क्या बोल रही हो? एग्जाम का भूत थोड़ी ना होता है। ओ मम्मी प्लीज ना, आज रात आप मेरे साथ ही सो जाओ। प्लीज प्लीज मम्मी प्लीज। अच्छा ठीक है। बहुत डर लग रहा। अरे परी क्या तुम डर रही हो? वरना वो फिर से आ जाएगा। अरे परी अगर तुम पढ़ाई करोगी ना तो कोई भी भूत नहीं आएगा। ठीक है अब सो जाती हूँ मम्मी। अगर तुमने ये भूत भूत का नाटक बंद नहीं किया ना तो सच में मैं तुम्हें भूत दिखा दूंगी। सो जाओ। The next day. कौन है वो कर रहा? कि पेपर हवा में कैसे उड़ रहा? मैं एग्जाम भूत हूँ। एग्जाम भूत? तुम एग्जाम भूत तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो? क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं करती। पढ़ाई कर दो। तुम चले जाओ यहाँ से प्लीज। तुमसे पढ़ाई होगी ही नहीं, तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा ही नहीं। एग्जाम तो पहले से डरावनी होती है, ऊपर से एग्जाम का भूत आ गया। तुम चले जाओ, मैं पढ़ाई करती हूँ प्लीज। तुम पढ़ोगी? हाँ करूँगी। क्या सच में पढ़ोगी? हाँ पढ़ाई करूँगी मैं। लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। मुझे इसे डर लग रहा मम्मी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एग्जाम में मेरी क्या हालत होगी? मुझे तो जीरो माइनस में मार्क्स मिलेंगे। क्या करूं मैं? ये एग्जाम का भूत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, मेरे पीछे पड़ा है। क्या करूं मैं? हाँ मम्मी ने सच बोला था, अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो मुझे इस एग्जाम के भूत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मैं पढ़ाई करती हूँ। परी तुम पढ़ नहीं सकती। परी जाओ मोबाइल में गेम खेलो, जाओ जाके टीवी देखो, पढ़ना मत। चलो बच्चे लोग हो गई पढ़ाई। यस सर। आइए आइए।
है? ये क्या कर रही है? अरे परी, तुम तो सारे क्वेश्चन के आंसर लिख रही हो, पर तुम पेपर पूरा कर ही नहीं पाओगी। मैं पूरा पेपर लिखूंगी क्योंकि मुझे सब आता है। सर, सप्लीमेंट। ये कैसे हुआ? कॉपी नहीं कर रही है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मेरा पूरा पेपर लिखे हो गया। ये क्या? परी ने तो पूरा पेपर लिख दिया। क्योंकि मैंने पूरी पढ़ाई की थी इसलिए मैंने पूरा पेपर लिख दिया। मतलब तुम्हें एग्जाम के बोझ से डर नहीं लगता? नहीं लगेगा क्योंकि मैं पूरी पढ़ाई करूंगी। ये क्या बातें कर रही है, पागल हो गई है क्या तू परी? अरे तुम लोग पेपर लिखो, मेरा तो हो गया। अब मुझे जाना पड़ेगा। संकेत मुझे बता, कुछ नहीं आ रहा है मुझे। A few inches later. संकेत बता, मुझे याद नहीं आ रहा है। सर, यार, और लिखने से मुझे दे दो। सर ये लीजिए, मेरा पेपर हो गया है। लिख के हो गया तुम्हारा? हाँ सर। सर, टाइम खत्म हो गया, दे दो पेपर। चलो एग्जाम खत्म। तुमने क्या लिखा परी इतना पेपर में? अरे मैंने बहुत पढ़ाई की थी इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए। तुम पढ़ाई भी करती हो? हाँ। मैं कब पढ़ाई की? फ्रेंड्स, अगर आपने बहुत पढ़ाई की तो आपको किसी भी एग्जाम से डर नहीं लगेगा। जैसे मैंने पढ़ाई करके एग्जाम के भूत को भगा दिया, वैसे आप भी कर सकते हो। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मेरे न्यू चैनल मतलब परीज लेसन बांग्ला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, अब भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।